वही लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। इनका फॉर्मूला है घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टिकरण करो, राजनीति करो, अलगाववादी करो, संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक जरूरी है। ये अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टिकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस घोर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे।